वडोदरा एसओजी पुलिस द्वारा मिली खबर के आधार पर 960 जितने पेंटाजोशिन लैक्टेट इंजेक्शन के जत्थे के साथ तीन शख्स की गिरफ्तारी करने के बाद शाम को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। वडोदरा एसओजी पुलिस द्वारा युवाधन को खोखला और बर्बाद करने के लिए नशीले इंजेक्शन के जत्थे के साथ पकड़े गए तीन अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद देर शाम को पत्रकार परिषद को संबोधित किया गया, जहां पुलिस ने युवाधन को बर्बाद और खोखला करने के घोटाले में शामिल वैसे तीन अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए 960 जितने पेंटाजोशिन लैक्टेट इंजेक्शन का जत्था बरामद किया था, जहां पुलिस को खबर मिली थी कि रोजरी स्कूल के पास होंडा कार में सवार वैसा अपराधी विजय पंजाल अपने साथ इंजेक्शन की डिलीवरी करने आने वाला है, जिसके साथ सूरज रमेश पटेल तथा हरीश जगदीश पंजाल की भी गिरफ्तारी की गई, जहां उनके पास से पुलिस ने 27,180 कीमत के 960 जितने पेंटाजोशिन लैक्टेट इंजेक्शन का जत्था बरामद किया था। इंजेक्शन का जत्था नकद रुपए 18,000, दो मोबाइल फोन, ऑटो रिक्शा और होंडा कार के साथ पुलिस ने 8,10,187 रुपए का मुद्देमाल जब्त करते हुए अपराधी विजय पंचाल, हरीश पंचाल और सूरज रमेश पटेल की गिरफ्तारी की गई थी। तो वही अधिक में जानकारी प्राप्त हुई है कि ये इंजेक्शन की डिलीवरी और बिक्री के लिए उनके द्वारा चाय, चॉकलेट तथा अन्य पदार्थों की आड़ में इसकी हेराफेरी की जाती थी, जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल रहा था। पुलिस ने विजय के घर पर छापेमारी करते हुए वहां से भी पेंटाजोशिन का भारी मात्रा में जत्था बरामद किया था, जबकि हरीश पटेल वाड़ी छेलीपोल में रहते वैसे उसके गोडाउन से भी छापेमारी करते हुए 10 जितनी खाली स्ट्रिप बरामद की गई, जिसमें गोडाउन का मालिक जयसिंह पुरोहित होने का बाहर आया है। युवा धन को बर्बाद करने के आशय से एसओजी द्वारा एंटी नारकोटिक्स यूनिट कार्यरत किया गया है, जहां पिछले 2 साल के दौरान 20 से भी अधिक गुना पर्दाफाश करते हुए पकड़े गए हैं, जहां ये अपराधियों द्वारा अपने इंजेक्शन यानी कि नशीले पदार्थ की हेराफेरी करने के लिए अलग अलग माध्यम से इसकी हेराफेरी और बिक्री की जाती थी, जहां पुलिस ने पत्रकार परिषद के जरिए अधिक जानकारी दी थी। वडोदरा शहर ना मेहरबान पुलिस कमिश्नर साहेब श्री द्वारा जे मिशन आपवामां आवेलुं छे क्लीन वडोदरा, नशामुक्त वडोदरा, ते अनुसंधाने एसओजीना एएसआई શાંતિલાલ નાઓને હકીકત મળેલ કે એક ઇસમ છે તે પેન્ટાઝોનિક લેક્ટેક નામ જોશીન પેન્ટાઝોશીન લેક્ટેક નામનું ઇન્જેક્શન નશા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેનું વેચાણ કરી રહ્યો છે તેવી હકીકત મળતા